आज का राशिफल, आज का यानी कि 28/4/2019 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आज का दिन आपका कहाँ तक अच्छा, क्या बुरा, किस मामले में अच्छा, किस मामले में बुरा, इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूज़र आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा। इस यूजर आईडी के जरिए सर्च करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल, जिस पे आज मैं आपको बताऊंगा आज के दिन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य राशिफल है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996, जिसमें मिनिमम चार्ज जो है वो मात्र 300 रुपये आपको जमा करनी होगी और आप अपने भविष्य के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाओगे। शनिदेव और हनुमान जी की कृपा प्रसाद बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो आइए शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ सबसे पहले आज का पंचांग। दोस्तों, आज तारीख जो है वो 28 अप्रैल 2019 है। तिथि जो है वो नवमी है। नक्षत्र धनिष्ठा है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल योग है, रविवार है, सूर्योदय 5:12 में हो रहा है और चंद्र राशि मकर 3:45 तक। सूर्यास्त शाम को 6:16 पे हो रहा है। ऋतु ग्रीष्म है। दिन काल 1 घंटा 13 मिनट का है और आज का जो शुभ समय है वो है 11:18 से लेकर के 12:10 तक का जो समय है वो आज का शुभ समय है। आज जो राहु काल है, अशुभ समय जो है वो 4:38 से लेकर के 4:16 तक का जो 4:38 से लेकर के 6:16 तक का जो समय है वो राहु काल है, वो अशुभ समय है। आज दिशाशूल जो है वो पश्चिम की तरफ है, यानी कि आपको पश्चिम की तरफ यात्रा वगैरह आज नहीं करनी है। आइए बताता हूँ आज की सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि। अगर आप पिछले कुछ वक्त से झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर के आएंगे। फौरी तौर पर मजे लेने की आपकी अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें और मनोरंजन पर जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। आपके प्रिय जीवनसाथी का फोन आपका दिन बना देगा। आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है जो ऊंची जगहों पर हो। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें का सही समय है। लंबे समय के बाद आप भरपूर नींद का मजा भी ले पाएंगे। मैं इसके बाद अब बात आती है वृषभ राशि की। गाड़ी चलाते समय सावधान रहे। अचानक नए स्रोतों से धन लाभ भी मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। आपकी पारिवारिक समस्याओं को काबू में रखने और उनकी ना सुनने की प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद भी हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिय आपके लिए खुशी के पल को लेकर के आएगा। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। जीवनसाथी के साथ यह दिन और दिनों की अपेक्षा बेहतर गुजरेगा। सेहत के लिहाज से दौड़ लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यह मुफ्त भी है और अच्छा एक्सरसाइज भी। वृषभ के बाद अब बात आती है मिथुन राशि की। चौकन्ने रहें क्योंकि कोई आपको बलि का बकरा बना सकता है।
तनाव और चिंता में इजाफा मुमकिन है। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं आज अपने किसी काम की वजह से बहुत झुंझलाहट महसूस करेंगे। रोमांस के नज़रिए से आज ज़िंदगी बहुत जटिल है। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। हंसी मजाक के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है जो फिर वाद विवाद का रूप ले सकता है। इस सप्ताहांत में आप काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप काम टालते रहेंगे तो खुद पर भी खीज पैदा होने लगेगी। मिथुन के बाद अब बात आती है कर्क राशि की। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों और लोगों को प्रभावित करेगा। आज आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इसके चलते अच्छे भविष्य की नींव रखी जाएगी। आपका जीवन साथी अन्य दिनों की अपेक्षा आपका ज़्यादा ख्याल रखेगा। दोस्तों के साथ आप बेहद मज़ेदार महसूस करेंगे। साथ ही ऐसे जगहों पर जाने की भी संभावना है जहां नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कर्क के बाद अब बात आती है सिंह राशि की। किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें आपको संतोष और ढाढ़स बधाएंगी। खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात संभव है, जिसके चलते पुरानी खुशनुमा यादें फिर से ताज़ा होंगी। निजी मसले नियंत्रण में रहेंगी। सफ़र के दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है, दिन वाकई रोमानी है। बढ़िया खाने, महक और खुशी के साथ आप अपने हम दम के साथ बेहतरीन समय बिता सकते हैं। समय मुफ्त जरूर है, पर वेस्ट कीमती भी है, इसलिए अपने अधूरे कार्यों को निपटाकर आज आने वाले कल के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। सिंह के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी, लेकिन केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू रखें और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और पैसा और मनोरंजन पर खर्च ना करें। जीवन साथी से झगड़ा मानसिक तनाव की ओर ले जा सकता है। बेकार का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का एक बड़ा सबक इस बात को मान लेना है कि बहुत सी चीज़ों को बदलना नामुमकिन है। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफ़र करना पड़ सकता है, जो काफ़ी भागदौड़ भरा लेकिन फ़ायदेमंद रहेगा। कन्या के बाद बात आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? सेहत को देखभाल की खास ज़रूरत है। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। सही समय पर आपकी सहायता किसी को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है, जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। देर शाम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। सितारे इशारा कर रहे हैं कि आज आप अपना दिन टीवी देखने में गुजार सकते हैं। तुला के बाद अब बात आती है वृश्चिक राशि की। अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि इससे आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है और बढ़ सकती है। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सावधानी रहते हैं। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बढ़ाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। वृश्चिक के बाद अब बात आती है धनु राशि की। आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे
तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से व्यवहार करें। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीज़ें उस तरह की नहीं होंगी जैसी आप चाहते हैं। अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा, लेकिन सेहत गड़बड़ रह सकती है। धनु के बाद बात आती है मकर राशि की। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियां और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। वाद विवाद, मतभेद और दूसरों की आप में कमियां निकालने की आदत को नज़रअंदाज करें। आप प्रेम की आग में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार जलते रहेंगे। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। वैवाहिक जीवन में कठिनाई कठिन दौर से गुजरने के बाद आपको अब कुछ राहत मिलेगी। मकर के बाद अब बात आती है कुंभ राशि की। कॉफ़ी पीना छोड़ दें, कॉफ़ी पीना छोड़ दें, खास तौर पर दिल के मरीज। आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। दोस्त और जीवन साथी आपके लिए सुकून और खुशी लेकर के आएंगे, नहीं तो आपका दिन बुझा बुझा और दौड़ भाग से भरा रहेगा। घर में परेशानियां पैदा हो सकती है, लेकिन अपने साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताने देने से बचें। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। आपका जीवन साथी अपने दोस्तों में कुछ ज़्यादा व्यस्त हो सकता है, जिसके चलते आपके उदास होने की संभावना है। किसी ऐसे शख्स का फोन आ सकता है जिससे आप बहुत लंबे समय से बात करना चाहते थे। कुंभ के बाद आज की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। खुद को ज़्यादा आशावादी बनाने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि व्यवहार भी लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभाव में कमी आएगी। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तयशुदा बजट से दूर न जाएं। घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों की राय भलीभांति जान लें। आपको प्यार में गम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। पड़ोसियों का दखल शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप व आपके जीवन साथी के बीच का बंधन बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद।